अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चिकन मंचूरियन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाले हैं और चिकन है। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिए हुए हैं मसाले ये सब, तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले चिकन पे इस तरह से लगाएं और थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से हॉट ऑयल में फ्राई कर लें। मीडियम लो फ्लेम पर रखें ताकि चिकन अच्छे से अंदर तक पक जाए। इसको अच्छे से फ्राई कर लें। ये देखिए मेरे फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी, माशाल्लाह कलर देखिए कितने क्रिस्पी है। तो इस तरह से होना चाहिए। चलिए अभी ग्रेवी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने अनियन लिया है हाफ, गार्लिक स्लाइस, जिंजर स्लाइस, ग्रीन चिली, शुगर, चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून, केचप, विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस, केचप, विनेगर, थोड़ी सी ग्रीन चिली और येलो बेल पेपर है मेरे पास, थोड़ा सा कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन। अब यहाँ पे जो है हम ये सारे मसाले जो है इस तरह से ऐड कर लेंगे एक बाउल में। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ग्रेवी बनाने में आसानी होगी अगर हम पहले से इस तरह से मिक्स करके रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पैन रखा हुआ है। अभी इसमें जो मैंने चिकन तला हुआ था उसी का ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड किया है। यहाँ पे मैंने अभी गार्लिक और जिंजर के स्लाइसेस डाले। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए अब यहाँ पे अनियन और ग्रीन चिली डाल दें। ज़्यादा ब्राउन होने ना दें, जस्ट थोड़ा सा हल्का सा। देखिए यहाँ पे मैंने बेल पेपर लिए डाला है, कैप्सिकम डाला है। मैंने यहाँ पे बेल पेपर कलर के लिए डाला है। आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो कुछ नहीं, आप कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते। देखिए इसका कलर देखिए येलो एंड ग्रीन इस तरह से लग रहा है। अनियन भी खुश खुश हो रही है कलर देख के, है ना। यहाँ पे देखिए ये अच्छे से हो गया। अभी हम जो बना के रखे हैं ग्रेवी मिक्सचर हम उसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको आप जल्दी से मिक्स करके अच्छे से हिला लें, मिक्स कर लें। ये रेसिपी एक्चुअली मेरा ये वीडियो बहुत बड़ा है इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में बनाया है। इसके आगे आपको वेज नूडल्स का रेसिपी भी है तो इसलिए। ये देखिए मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लिया और थोड़ा सा पानी मिक्स करके यहाँ पे हम लोग ये इस ग्रेवी में मिक्स करेंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए हो गया। अभी मैं इसमें ऐड करते हुए स्पून से मिक्स कर लूँगी, नहीं तो क्या है लम्स हो जाएंगे। जल्दी से मिक्स कर लें अच्छे से। हाँ, मैं बता रही थी कि इसके आगे जो है आपको वेज नूडल्स का भी वीडियो इसमें कंटिन्यू है तो इसलिए मैंने इस वीडियो को जल्दी से और शॉर्ट बनाया है तो आपको आसानी हो दोनों बनाएं। ये डिनर के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, ये मैंने यहाँ पे डिनर के लिए ही बनाया है। अभी मैं यहाँ पे चिकन मिक्स करूँगी। ये देखिए हो गया थिक सा। ये देखिए मैंने चिकन ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लें जस्ट थोड़ी देर के लिए, जस्ट 2 मिनट्स। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो चिकन सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको सॉफ्ट चलता है तो आप थोड़ी ज़्यादा देर रख लें वरना जल्दी बंद कर दें गैस। ये देखिए ये रेडी है। अभी मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए स्प्रिंग अनियन से मैंने इसको गार्निश किया है और थोड़ा सा तिल, सीसम सीड्स। ये देखिए नाउ इट्स रेडी, चिकन मंचूरियन रेडी हो गया। अभी हम लोग जो है वेज नूडल्स बनाएंगे। ये देखिए वेज नूडल्स बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिया है रेड चिली सॉस 1 टेबल स्पून और गार्लिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली, विनेगर और थोड़ा सा केचप, सोया सॉस। ये देखिए बॉइल्ड नूडल्स है, आप कौन से भी ले सकते हैं, हाका नूडल्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मैगी के लिए हैं। ये देखिए बेल पेपर है, कैप्सिकम है और कैबेज, कैरेट और यहाँ पे मैंने सीसम ऑयल लिया है, इससे चाइनीज़ फूड अच्छा बनेगा। ये देखिए थोड़ा सा अनियन है और स्प्रिंग अनियन है। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैंने गार्लिक ऐड किया थोड़े से ऑयल में, अभी यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली और अनियन ऐड किया। आप अपने हिसाब से डालें गार्लिक और अनियन। हम इसको जो है ज़्यादा पकाएंगे नहीं सब्ज़ी को क्योंकि ये वेज नूडल्स है, जल्दी बनेगा। ये देखिए स्प्रिंग अनियन जो वाइट वाला है वो मैंने इसमें ऐड किया है। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है दोनों भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए मैंने फ़र्स्ट यहाँ पे कैबेज ऐड किया क्योंकि कैबेज और कैरेट को पकने के रहता ना, इसलिए मैंने फ़र्स्ट कैबेज और अभी मैं यहाँ पे कैरेट ऐड करूँगी। ये देखिए आप अपने हिसाब से कौन से भी वेजेस यूज़ कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे ये सारे यूज़ किए हैं। इसमें से एक कम ज़्यादा भी हो गया तो चलेगा।
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हाँ दोनों भी बनाइए डिनर के लिए, अभी तो रमज़ान भी आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने नमक ऐड किया, तो रमज़ान में भी माशाल्लाह अच्छा रहेगा ये इफ्तार के लिए दोनों भी, तो ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। मेरे वीडियो को एंड तक देखें। ये देखिए अभी यहाँ पे मैंने बेल पेपर और कैप्सिकम ऐड किया। ये ब्लैक पेपर देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है, सब्ज़ी हरा हरा पीला पीला वाइट वाइट। ये देखिए मैंने यहाँ पे सोया सॉस ऐड किया, रेड चिली सॉस। ये देखिए केचप, बस आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये थोड़ा सा विनेगर। चूल्हे को हाई फ्लेम पे रखें यहाँ पे, क्योंकि चाइनीज़ फूड है ना, तो इस हाई फ्लेम पे ही पकता है ये ज़्यादातर। तो ये देखिए माशाल्लाह ये रेडी हो गया। अभी इस पर मैंने स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा ऐड किया, इसके बाद हम जो है लास्ट में नूडल्स ऐड करेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे मैंने नूडल्स ऐड किए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें सारे सब्जियों के साथ। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए अभी ये रेडी हो गया। ये देखिए कितना अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे से रेडी हो गया। तो आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं मेरे दोनों कैसे थे रेसिपीज़। तो चलती हूँ, चलिए दुआओं में याद रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।